नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग की फील्ड में बिल्कुल न्यू हैं और आप वेब स्टोरी पे काम कर रहे हैं, वेब स्टोरी के साथ साथ आप अपने ब्लॉग पे भी काम कर रहे हैं, आप वेब स्टोरी के अलावा अपने ब्लॉग पे भी हाई अथॉरिटी कीवर्ड लिख के अच्छा खासा ट्रैफिक लाना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आज हम आपको कुछ ऐसे कीवर्ड बताने वाले हैं और इसके साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से टूल से कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे या सर्च करेंगे, कीवर्ड का रिसर्च करेंगे, जिससे आपको अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिल सके कीवर्ड रिसर्च करने के बाद, और आपकी ब्लॉग पोस्ट है जो पहले या दूसरे पेज पे, पहले पेज के दूसरे तीसरे पोजीशन पे या दूसरे पेज तक आपको रैंक करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी हम आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। आप हमारी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो में स्किप कर देते हैं तो आप इस टूल का इस्तेमाल करने में आपको परेशानी होगी और आप टूल को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, और कि जो आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे उस ब्लॉग पोस्ट को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से कीवर्ड फाइंड करने है, सब कुछ आप ध्यान से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें क्या कुछ करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस चैनल पे मैं आपके लिए ब्लॉगिंग से रिगार्डिंग वीडियो शेयर करता रहता हूँ, साथ ही आपको इस पे मैं कीवर्ड रिसर्चिंग टूल के बारे में और एडसेंस टूल के बारे में भी जानकारी देता रहता हूँ। इस पे हम कल आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ब्लॉग रिव्यू के बारे में आएगा और किस तरीके से वो अपने ब्लॉग को ग्रो करवाते हैं ब्लॉगर्स, और बेस्ट हिंदी ब्लॉग के बारे में जल्दी वीडियो आने वाला है, जो टॉप 10 अपने जो बेस्ट हिंदी ब्लॉगर्स हैं उनके बारे में भी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अभी कौन से कीवर्ड से हमें कीवर्ड जो टूल है जो रिसर्च करना है। तो ये हमारे पास आ गया एजरफ का फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल है। इसमें हम अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं अपने निश के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक है जो उस पर सर्च कर सकते हैं। इसमें हमें सभी कंट्रीज के टॉपिक सिलेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इस पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डाल लेते हैं हाउ टू। जैसे हम हाउ टू डालेंगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा यूनाइटेड स्टेट, इस पर आपको यहाँ पे जाके सर्च करना है इंडिया। जैसे आप इस पर इंडिया सर्च करेंगे, मैं यहाँ पे आपको इंडिया सर्च करके दिखा देता हूँ इस पर कितना सर्च वॉल्यूम है, कितना इस पर ट्रैफिक है, कितनी इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है, सारा कुछ आपको ये टूल दिखा देगा। उसके बाद हम इंडिया सेलेक्ट करने के बाद फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हाउ टू से जुड़ी यहाँ पे कीवर्ड है जो आ जाएंगे। अभी आप देखेंगे हाउ टू पे आपको ये इतना कंपटीशन है, ये हाउ टू मेक बनाना ब्रांड, इस पर आपको 62 की कीवर्ड डिफिकल्टी है और उसकी जो वॉल्यूम है 521 के है। तो अपने को ऐसे कीवर्ड नहीं लेने हैं, आपको वो कीवर्ड लेने हैं जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल कम हो। जैसे ये कीवर्ड डिफिकल्टी है 3, हाउ टू मेक डीएमटी, तो इस कीवर्ड को आप फाइंड कर सकते हैं। इस कीवर्ड पे आप पोस्ट लिखते हैं अभी 5 घंटे पहले ये कीवर्ड है जो है गूगल पे। तो इस पे जैसे हम इस कीवर्ड को लेते हैं, इस पे हम सर्च करते हैं, तो इसको हमने कॉपी किया। जैसे हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम इस बैग गए, उसको यहाँ पे कट किया और हमने दोबारा फिर यहाँ पे सर्च किया हाउ टू मेक डीएमसी और इसको फाइंड ए कीवर्ड पे आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक किया और यहाँ पे देखते हैं इस पे कितना दिखा रहा है। देखिए ये रे हाउ टू मेक डीएमटी और इसके नीचे दिखा रहा है हाउ टू मेक डीएमटी एट होम, हाउ टू मेक डीएमटी साइट ये tripsites.com, हाउ टू मेक डीएमटी फ्रॉम ग्रेस, हाउ टू मेक डीएमटी ड्रग्स, हाउ टू मेक डीएमटी कैटेगरीज, ये सारा कुछ आपको दिखा रहा है। ये आप जब भी आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं उस ब्लॉग पोस्ट में आपको ये सारे कीवर्ड है जो मेंशन करने हैं। किस तरीके से मेंशन करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम अभी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे आपका जो टाइटल है इस पे आपको लिखना है, जैसे हमने कॉपी किया था वहां से इसको लिख लेते हैं और इसको अच्छे से जो पहला इसका वर्ड है इसको अपने बड़ा कर लेते हैं। जैसे हमने इसको बड़ा किया उसके बाद हम देखेंगे इसको भी बड़ा कर लेते हैं डीएमडी, फिर हम लिख लेते हैं इसको आगे, फिर आगे हम दोबारा सर्च कंसोल में जाते हैं, देखते हैं हम हाउ टू मेक डीएमटी एट होम। ठीक है, इससे पहले हम जाके गूगल में इसको पेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं इस पे कितने सर्च रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं गूगल में और कितने नहीं आ रहे हैं। इसे सर्च रिजल्ट चेक करने के लिए हम डीएमटी को हमने डाला है, इसको हम इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे। जैसे इन्वर्टेड कोमा में बंद करेंगे तो इसके जो रिजल्ट है हम आपको दिखा देंगे, 7980 इसके गूगल पे अभी रिजल्ट है और इस पे ये दिखा देंगे। ये देखे डीएमटी ये आ गया गाइड इफेक्ट कमीशन यूजर्स का, और इसके बाद हाउ टू मेक डीएमटी मेड सिंपल्स, ये सारा कुछ आपको दिखा रहे क्योंकि ये इंग्लिश कीवर्ड है। इसके अलावा हम जैसे ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो हम इस पे सबसे पहले हमने ये जो कीवर्ड है इसको सबसे पहले लेना है यहाँ पे, और उसके बाद में जो हमने कीवर्ड लिया था जब भी ब्लॉग पोस्ट लिखना स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम कीवर्ड को स्टार्टिंग में डालते हैं, स्टार्टिंग में डाल देते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं और इसे
ऐसे करके इसके आगे हमें इसका जो पोस्ट लिखना है, और इसे जो भी पोस्ट इसमें लिखेंगे उसमें हम इसके बारे में बताएंगे ये क्या कुछ है, कैसे काम आता है, इसका सारा बता दिया। उसके बाद हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे आगे जो निष्कर्ष, जो इसका जो पहला पैराग्राफ है वो लिखने के बाद हम यहाँ से जो टॉपिक जो फाइंड किया था हमने, हाउ टू मेक ये वाला DMT वाला, हम इस कीवर्ड को भी इस ब्लॉग पोस्ट में यूज करेंगे। इसको हमने यूज कर दिया, अगर आप इसे चाहते हैं तो इसे बोल्ड कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसे हम हेडिंग 4 भी हम इसे दे सकते हैं, भी ये कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमें आगे जाना है, फिर आगे इसको दोबारा कीवर्ड प्लानर टूल पे जाना है, फिर ये जो कीवर्ड है इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 0 से 10 तक है, सर्च वॉल्यूम इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी बिल्कुल ही 0 है, तो हम इसे भी इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे इसको करके इसको हमने बोल्ड कर लिया और रख लिया, ये देखिए। तो हम जब भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हम यहाँ पे जो रिसर्च करेंगे तो उसमें जो कीवर्ड आएंगे हम उन सभी कीवर्ड को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और आप जब भी कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उस समय आपको क्या देखना है, ये देखिए, हाउ टू मेक DMT ड्रग्स, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, DURUG, इसको ऐसे भी कर लेना है क्योंकि ड्रग की स्पेलिंग DRUG होता है, पर DRUG इस पे लिखना है अपने को DR सॉरी UEG, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्ड मिस्टेक कर देते हैं, तो वर्ड मिस्टेक की वजह से भी वो मतलब कुछ गलत टाइप कर देते हैं, तो आपकी अगर आपने भी कुछ गलत टाइप कर लिख रखा उस तरीके का तो आपकी भी ब्लॉग पोस्ट उसमें रैंक करेंगे और आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये कीवर्ड ऐसे सारे को फाइंड करना है, और सारे कीवर्ड फाइंड करके आप इस पर ब्लॉग पोस्ट लिखें, आपकी ब्लॉग पोस्ट 100% फर्स्ट पेज पर रैंक करेगी, आपको ट्रैफिक मिलेगा। आप यही गलती करते हैं जब भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं आप, तो आप किसी भी कीवर्ड को, जैसे जो भी कीवर्ड आपको दिखाई देते हैं रिसर्च करते समय, आप उन्हें ब्लॉग पोस्ट में फाइंड नहीं करते हैं। और ये जो मेन कीवर्ड है जो आपने हेडिंग में डाला है, टाइटल में डाला है सॉरी, तो उसी सेम कीवर्ड को आपको सबसे पहले जब भी आप पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं उसकी स्टार्टिंग में डालना है, और यही सेम कीवर्ड आपको यहाँ पे फोकस कीवर्ड में डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कीवर्ड जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ये कीवर्ड डेंसिटी इसको आपको 0.010 तक कर लेना है, इसको ज्यादा नहीं रखना है। यहाँ तक आप जब भी ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे अच्छे से मैनेज करेंगे तो आपको ये 0.010 तक आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कीवर्ड सारे कीवर्ड को फाइंड करके ब्लॉग पोस्ट लिखना है। जैसे आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे आपके ब्लॉग पोस्ट 100% वायरल जाएगी और ट्रैफिक मिलेगा। अभी जो कीवर्ड रिसर्च करने वाला टूल है ये HRF का फ्री टूल है, फ्री कीवर्ड जनरेटर टूल, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस टूल की मदद से भी अपने टॉपिक का जो रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, अपने ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बने रहे हमारे साथ। हम जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।